नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। मैं रीना आज आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बैकपैक। बहुत ही प्यारा सा यूजफुल बैग होता है ये, और इसे मैं बनाऊंगी अपने लैपटॉप के मेजरमेंट के हिसाब से। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके लिए आपको 1/2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये मैंने इस तरह का फैब्रिक लिया है। आप अपनी पसंद की का फैब्रिक ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से सीधी और वर्टिकल लाइंस में सिलाई कर ली है। और यहाँ पर मैंने यहाँ नीचे नॉन वूवन लिया है और बीच में फोम है ऊपर, और ये मेरा मेन फैब्रिक है। इन तीनों को इस तरह से एक साथ रख कर इस तरह से मैंने क्विल्ट बना लिए हैं। तो ये देखिए, ये मेरे लैपटॉप के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये डबल फैब्रिक में पहले क्विल्ट बना लिए हैं। तो सबसे पहले ये मेरे मेजरमेंट में कितना हो रहा है वह मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी लंबाई हो रही है 26 इंच, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 16.5 इंच। अब इस फैब्रिक को मैं मिडल से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। तो देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे मैं यहाँ से भी फोल्ड कर लूँगी। अब ये जो फैब्रिक है ना, उसे मैंने लैपटॉप की साइज से सभी साइड से 1-1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखा था। अब यहाँ ऊपर की साइड से इस तरह से हल्का सा कर्व शेप दे देंगे हम, और यहाँ नीचे की साइड से भी, ऊपर की साइड से भी थोड़ा कम हमें नीचे इस तरह से राउंड शेप देना है। तो इस तरह से हमें पहले इसे शेप दे देना है। अब इसे मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह का इसका लुक बन जाएगा। अब ये जो सेकंड हिस्सा था हमारा, इसके ऊपर हम इसे रख कर इसे भी कट कर लेंगे। तो अब इस एक हिस्से पर हमें हैंगर लगाने हैं। हैंगर के लिए आप पुराने स्कूल बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से ये हैंगर के लिए फैब्रिक ले रही हूँ, बेल्ट बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये जो फैब्रिक लिया है वो है 24x3.5 इंच। अब इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और मिडल में एक और सख्त फैब्रिक डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से एकदम सख्त मोटा बन जाए, और इस तरह से फोल्ड करके ऊपर सिलाई कर लूँगी। तो देखिए, ये इस तरह से फोल्ड करके मैंने ये दो बेल्ट रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और वहाँ पर ऊपर हमें हैंगर को अटैच कर लेना है। तो ये मैंने बेल्ट अटैच कर लिए हैं। ये हमारी बैक साइड रेडी है। अब आती है हमारी फ्रंट साइड की बारी। तो यहाँ पर ऊपर पॉकेट बनाने के लिए मैंने ये एक फैब्रिक लिया है क्विल्टेड। ये 7x10 इंच का फैब्रिक है। अब इसे भी हम मिडल से फोल्ड करेंगे और इस तरह से राउंड शेप में कट करके शेप दे देंगे। अब ये जो हमारा राउंड शेप बन रहा है, उसका जो भी मेज़रमेंट आता है उतने इंच की हमें जिप लेनी है। तो ये मेरा हो रहा है 21 इंच, तो मैं ये 21 इंच की जिप लूँगी। अब इस जिप को हम इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से उल्टा रखेंगे, और यहाँ ऊपर हमें पूरे राउंड में सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर हमें एक स्टॉप स्टिच कर लेनी है। तो ये मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच कर ली है। तो ये इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से इस तरह से हम एक मार्क कर लेंगे, और ये जो नीचे का फैब्रिक है उस पर भी हम एक मार्क कर लेंगे, तो ये हमारा सेंटर निकल आएगा। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे, दोनों सेंटर को हमें मिलाना है इस तरह से। अब पहले हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, इस तरह से जिप को रखना है और यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमें जिप को इसी तरह से पकड़ना है और इस तरह से ध्यान रखते हुए सिलाई करनी है। देखिए, इस तरह से पकड़ते जाना है और यहाँ ऊपर हम सिलाई करते जाएंगे। तो देखिए, ये इस तरह से हमारा ये पॉकेट अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ ऊपर से 5 इंच पर मार्क करेंगे,
और यहाँ से हम सीधा कट कर लेंगे। तो ये कट हो गया। अब इसी के साइज़ की हमें ज़िप लेनी है। ज़िप को हम यहाँ पर उल्टा रखेंगे और यहाँ से हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और ये सेकंड हिस्सा जो है उसे भी हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर ज़िप को अटैच कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर उठ रहा होगा आपका स्ट्रिप, वहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर लेनी है इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छे से इस तरह की फिनिशिंग आ जाएगी। उसके बाद मेन फैब्रिक या अस्तर, कोई भी इस तरह का फैब्रिक ले लीजिए इसके साइज़ का। और यहाँ पर देखिए मैंने नीचे रखा है। अब यहाँ पर पूरे राउंड में सिलाई करके इन दोनों को हम अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने अटैच कर लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो पूरा राउंड है उसका हमें इस तरह से मेज़रमेंट ले लेना है। तो ये मेरे मेज़रमेंट में 53 हो रहा है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो ये मैंने 54x4 इंच का इस तरह का बेल्ट क्विल्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब हमें ऊपर की टॉप की मेन जिप लगानी है, तो उसके लिए मैं मेज़रमेंट लूँगी। तो इस तरह से हमें मिडल अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ, तो ये 22 इंच मेरा हो रहा है। तो ये जो बॉर्डर हमने रेडी किया है वहाँ पर हम 22 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे मैं मिडल से कट कर लूँगी और वहाँ पर जैसे ये जिप हमने अटैच की थी उसी तरह से मैं यहाँ पर जिप अटैच कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जिप अटैच कर ली है और यहाँ पर मैंने 2 रनर ऐड किए हैं। अब यहाँ पर हम ये जो हमारा बाकी का बचा हुआ बॉर्डर है उसे इस तरह से रखेंगे ऊपर उल्टा और यहाँ पर सिलाई करके हम इसे जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर भी एक टॉप सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसे फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम इसमें भी फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब हमें इसे यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ से हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। अब ये इतना सा मेरा बॉर्डर जो है वो बच रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। अब तो जो एक्स्ट्रा है उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी और यहाँ पर मैं इस तरह से इसे सिलाई करके अटैच कर लूँगी और उसके बाद हम इसे यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर इस तरह से पूरा अटैच कर लिया है। अब इसका सेकंड हिस्सा हम लेंगे और इसे भी आपको यहाँ पर सेंटर निकाल लेना है और इस तरह से हम रखेंगे पूरा और यहाँ पूरे में सिलाई करके इसे भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से दोनों साइड से अटैच हो चुका है। अब हमें इस तरह की एक पतली सी स्ट्रिप लेनी है, लगभग 1 इंच से भी कम है ये। और इसके लिए आप इस तरह की जो शॉपिंग बैग आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पूरा नॉन वूवन का मैंने जो अस्तर यूज़ किया है उसके लिए भी आप इस तरह की शॉपिंग बैग का यूज़ कर सकते हैं। अब इस स्ट्रिप को मैं इस तरह से यहाँ पर ऊपर रखूँगी और यहाँ ऊपर सिलाई करके इसे पैक कर लूँगी। और आप चाहें तो कपड़े की स्ट्रिप भी ले सकते हैं, तो वो आपको 1.5 इंच चौड़ाई की लेनी होगी। और पहले आपको यहाँ पर इस तरह से सिलाई करके अटैच कर लेनी है। उसके बाद आपको इस तरह से यहाँ पर टर्न करना होगा और यहाँ पर आपको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऊपर सिलाई करनी है। तो ये पूरा बैग हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे और राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा ब्यूटीफुल सा बैग बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर भी हमने एक बड़ा सा पॉकेट बनाया है, इसके अलावा यहाँ पर भी हमारा पॉकेट है और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पॉकेट हमें मिलेगा। इसे आप एज अ स्कूल बैग भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ बैकपैक भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का बैग आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। मैंने अपने लैपटॉप के हिसाब से इस साइज़ का बनाया है। आप अपने हिसाब से साइज़ छोटी या बड़ी कर सकते हैं।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत।